मध्य प्रदेश चुनाव की तिथियों की हुई घोषणा, 17 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023 5 राज्यों में होने वाले हैं, जिसकी तिथियों की आज निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से एक ही चरण में चुनाव संपन्न होगा। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वहीं 30 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जाँच होगी और 2 नवम्बर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 17 नवम्बर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना। मध्य प्रदेश के साथ ही अलग अलग तिथियों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव संपन्न होंगे। निर्वाचन आयोग के घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 2014 पोलिंग बनाई गई है। 9,58,545 पुरुष और 8,76,560 महिला व 25 थर्ड जेंडर सहित कुल 18,35,130 मतदाता हैं, जो अपने मत का उपयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार वोट करने वालों की संख्या 66,334 है और 35,052 सीनियर सिटीजन हैं, जो 80 के पार हैं। आपको बता दें कि विंध्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। नए जिले मऊगंज को लेकर यहां 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस बार जहां इन सीटों को बचाने भाजपा पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं 20 सालों से सत्ता में दूर कांग्रेस भी 8 सीटों पर विजय होने की रणनीति बना चुकी है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावे कर रही हैं। सभी जो हमारे हिस्से का काम है पुलिस का, इसकी तैयारी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट और उसके चार्ट, ये सभी चीजें तैयार कर ली गई हैं। वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है और वहाँ पे क्या लगना है, जो आयोग के निर्देश आदेश हैं उसके तहत उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो समय समय पे आगे होना है उसके लिए भी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। धन्यवाद। एक मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें एक सोशल मीडिया के एक्सपर्ट को भी रखा गया है। तो आप सभी लोगों से ये अपील भी आप सभी लोगों के माध्यम से कि सोशल मीडिया को लेकर के 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कोई भी इस तरीके का मैसेज या किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार जो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पार्टी विशेष को प्रमोट कर रहा है, वो किसी व्यक्ति को नहीं करना है। दूसरा, किसी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग या इस प्रकार के भावनाओं को जो संप्रदायों की या धर्मों की भड़काते हैं, इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना है। और जो भी मीडिया में चीज़ें आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से या आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनके माध्यम से, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन, एक प्री सर्टिफिकेशन लेना होता है, जिसके लिए यहाँ कमेटी बनाई गई है, सिंगल विंडो व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ से वो सर्टिफिकेशन के बाद ही फर्दर प्रोसीड होंगे। नाम निर्देशन की जो नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया है, अपने यहाँ अपने लोगों ने 6 विधानसभाओं का जो नाम निर्देशन का स्थल है वो तैयारी है कि वो यहाँ रहेगा और 2 विधानसभाएं जो मऊगंज जिले की वो मऊगंज जिले में रहेंगी। जो भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके अनुसार ही नॉमिनेशन के दौरान लोग नॉमिनेशन हॉल में प्रवेश कर सकेंगे और उसके बाहर भी कितने प्रकार के वाहन आने हैं, कितने लोगों का शामिल होना है, ये सभी भी जो अनुमतियां हैं वो अनुमतियां कंसर्न SDM RO जारी करते हैं, उन अनुमतियों के अनुसार ही कार्रवाई होगी। और कहीं भी आदर्श आचरण संहिता का वायलेशन होगा तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। इसीलिए लगातार स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही इसलिए किया गया है ताकि न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी उतने ही इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, तो उनको इन सभी चीज़ों के बारे में समय समय पर अपडेट करना, बताना, ये सभी भी इसी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, तो सभी लोग इसका पालन करें। यही उसमें है, तो जो भी फैक्ट चेक है उसके अनुसार अपनी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी काम करेगी। ऐसी परिस्थितियाँ होंगी वो उसी समय निपट पाएगा। और रहेंगी रीवा जिले में ही होंगी, तो एक साथ ही सभी 8 विधानसभाओं का जो सामान लेने का, सामान वापसी का और काउंटिंग का, वो सभी जो है रीवा में सेंट्रलाइज तरीके से रहेगा। व्यवस्था की दृष्टि से 2-3 स्तरीय जो काम जिला प्रशासन और पुलिस ने अब तक किए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अपने यहाँ कोई भी पूर्व के वर्षों के यदि इलेक्शन ऑफेंसेस हुए हैं तो उन जगहों को, उन व्यक्तियों को और उन केसेस को हम लोगों ने प्रायोरिटी में लिया हुआ है। और अपने यहाँ जो इलेक्शन ऑफेंसेस थे उनमें से कई सारे केस डिसाइड हुए हैं और उनमें जो अपराधी थे वो उनका कन्विक्शन भी हुआ है, तो उनको सजा भी हुई है। इसी प्रकार से जो क्रिटिकल और जो भी मतदान केंद्र रहेंगे अपने वल्नरेबल, उसकी भी सूची हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मैजिस्ट्रेट और पुलिस की जो टीम है RO के माध्यम से करेगी। इसके अलावा
चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो अपने यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाइयाँ होनी थी, यानी जो पूर्व से ऐसे लोग जो ऐसा लगता है कि चुनाव के वक्त में कोई ऐसी अशांति फैलाएंगे, उनके खिलाफ हम लोगों ने लगातार लगभग 9000 से अधिक ऐसे लोग हैं पूरे जिले भर में जिनके खिलाफ 107, 16 और 110 की कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिलावदर की कार्रवाइयाँ की गई हैं, रासुका की कार्रवाइयाँ की गई हैं। साथ ही जो चुनाव की दृष्टि चुनाव को देखते हुए अपने दोनों जो मेजर एनएच हैं अपने इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ जाने वाला जो अपना वहाँ चेक पोस्ट अपने चालू हो गए हैं और आज से वो और प्रभावी हो जाएंगे, इसी प्रकार से हनुमाना की ओर जाने वाले मिर्जापुर को जाने वाले एनएच पर भी अपने चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं। और इस बार के चेक पोस्ट इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये न सिर्फ पुलिस की चेक पोस्ट होंगे बल्कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होंगे। इसमें हमारी एक्साइज की टीम है, आरडीओ की टीम है, फॉरेस्ट की टीम भी है और जीएसटी के भी कुछ अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। तो एक तरीके से ये एक नाका ऐसा होगा जिसमें सभी विभागों की टीम मौजूद रहेगी और जो भी स्क्रीनिंग होती है वो इन सभी विभागों के जो तय रूल्स हैं उनके अनुसार की जाएगी। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम लोगों ने तैयारियां। हमारे यहाँ जितने भी पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं यानी दिव्यांग मतदाता और जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो 80 वर्ष से अधिक की आयु के रहेंगे, उनके लिए एक विशेष फैसिलिटी इस बार तैयार की गई है कि उनको सुविधा की दृष्टि से वो चाहें तो अपने घर से भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से इस मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा भी जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए अगर वो मतदान केंद्र आना चाहेंगे तो उसके लिए भी पृथक से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और मतदान की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की रहे जिसमें हर एक आयु वर्ग के मतदाताओं का समावेश हो। तो इसकी भी तैयारियाँ लगातार की जा रही हैं। अपने जिले में जो टोटल सभी विधानसभाओं में मिलाकर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं यानी 80 वर्ष से आयु के ज़्यादा के जो मतदाता हैं वो लगभग 35,000 हैं और इसी प्रकार से अपने यहाँ जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग मतदाता हैं वो लगभग 7,662 मतदाता ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में हमारी मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए पृथक से मतदान के दिन की जो तैयारियाँ हैं उनमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि समावेशी मतदान के दिन हो सके। चूँकि आज से आचार संहिता प्रभावी हो गई है तो आचार संहिता में कुछ डूज और डोंट्स होते हैं, यानी ऐसे काम कौन से करने के हैं और ऐसे कौन से नहीं करने हैं, इसके संबंध में भी एक 4 बजे आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो न सिर्फ उनको इस बात का मैसेज कन्वे किया जाएगा कि आचार संहिता में किस प्रकार की गतिविधियाँ उनको करनी है और इसी प्रकार से जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं या समस्त जो शासकीय अमला है उनको भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो किस प्रकार से आचार संहिता के दौरान उनका आचार व्यवहार किस प्रकार का रहेगा, इस पर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही चूंकि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत वैसे हम लोग वर्ष भर कार्रवाई करते हैं लेकिन आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही ये कार्रवाइयाँ और प्रभावी हो जाती हैं, अपने यहाँ सभी जनपदों में सभी नगर पंचायतों में और नगर निगम रीवा के जो जूरिसडिक्शन है इसमें संपत्ति विरूपण की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं आचार संहिता प्रभावी होते ही। और 24 घंटे के भीतर का जो मैंडेट है कि जितने भी हमारे शासकीय भवन हैं यदि उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा फ्लैग्स बैनर लगा हुआ है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या अन्य किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को सपोर्ट करता है ये तो वो सभी हटाए जाएंगे। साथ ही 48 घंटे के भीतर अपनी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं लेकिन बिना अनुमति के उन पर अवैध रूप से कोई फ्लैग्स बैनर्स लगाए गए हैं तो उनको भी हम लोग हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में संपत्ति विरूपण की सभी जो नगरीय निकाय हैं ग्रामीण निकाय हैं इनमें टीम्स बनी हुई हैं और इन टीम्स का काम सिर्फ आज या कल का नहीं रहेगा बल्कि पूरी इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान ये सभी टीम प्रभावी रहेंगी। आज से निर्वाचन के लिए जो अपने कंट्रोल रूम है जिसमें सी विजुअल एक ऐप भी है जिसके माध्यम से यदि किसी भी व्यक्ति को पूरे जिले भर में ऐसा लगता है कि कहीं भी आदर्श आचार संहिता का कोई वायलेशन हो रहा है, कोई ऐसा काम हो रहा है जो आदर्श आचार संहिता में परमिटेड नहीं है तो उसके लिए वो शिकायत का एक प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। तो उसके भी सभी कंट्रोल रूम आज से प्रभावी हो गए हैं और जो शिकायतों का SLA है यानी कितने समय में शिकायतों का निराकरण होना है इन सभी चीज़ों के लिए भी तैयारी कर ली गई है और वो आचार संहिता लगते ही प्रभावी हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये तैयारियां आगामी निर्वाचन को लेकर के की गई हैं और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के बाद अब जो इलेक्शन को लेकर के तैयारियां हैं वो और फुल स्पीड में जारी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।